बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से, जहां पे बीजेपी पार्षद पर हमला करने का मामला और हमलावरों के घर पे चढ़ा है बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में निगम की कार्रवाई हुई, 12 से 15 मकानों को जमींदोज किया है। बकरा चोरी के आरोप में ये लड़ाई शुरू हुई थी। पार्षद चंद्रपाल धनकर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। पार्षद के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मधपुरैना पानी टंकी के पास ये कार्रवाई हुई है। अवैध तरीके से ये मारपीट कर रहे थे, मारपीट का ये आरोप है। आज देखिए नगर निगम की ये कार्रवाई, 12 से 15 मकान को जमींदोज किया है। पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, देखिए किस तरीके से इन मकानों को ध्वस्त किया है, जमींदोज किया है। अवैध तरीके से ये आरोपी रह रहे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त करके एक संदेश देने की कोशिश की है। मामूली सा विवाद था, लेकिन बकरा चोरी का विवाद था। आज क्या रूप किया है इस विवाद ने? आए दिन यह शिकायत थी कि देवार बस्ती अवैध कब्जा किए हुए हैं। आज सुबह मॉर्निंग में चंद्रपाल धनकर पार्षद हैं, उनके ऊपर उन्होंने देवार बस्ती वालों ने हमला किया और उनके बकरा चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके साथ मारपीट की। वो घायल भी हुए और जिसमें कुछ महिलाएं और पुरुष देवार लोग थे, जिसमें हमने अपराध रजिस्टर्ड किया है और रजिस्टर्ड करने के बाद हम उनको रिमांड पर जेल भेज रहे हैं। बाकी यहाँ आए दिन शिकायत थी मोहल्ला वालों के, दारू बेचते हैं, गांजा बेचते हैं। पूर्व में हमने इन पर कार्रवाई की और जेल भी गए हैं, वही हमारे पुराने आरोपी भी हैं। आए दिन वारदात लूट वगैरह चोरी हो रही थी, उसको देखते हुए हमने शासन को लिखा नगर निगम के माध्यम से, उन्होंने अवैध कब्जा को तोड़ा है। हमने सपोर्ट में पुलिस आई है और नगर निगम अवैध कब्जा तोड़ा गया। असामाजिक तत्व यहाँ पर सक्रिय थे, ये लोग थे नहीं हैं जो मार कर लिए थे, जिसको हटा बल पूरा हटाया गया है। वार्ड में जितने अभी यहाँ के चिन्हांकित थे उनको हटाया गया है और भी सर्विस के लोग अगर है।